हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम बेसन की मठरी बनाएंगे। मठरी बनाने के लिए सबसे पहले चुटकी भर हींग में थोड़ा सा पानी डालकर हींग को पानी में घुलने देंगे। अब मठरी के लिए एक डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक परात लेंगे। अब इसमें एक कप मैदा, आधा कप बेसन, आधा कप सूजी, थोड़ा सा नमक, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हींग का पानी, और 5 से 6 चम्मच तेल डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अभी सिर्फ हम इसे मिला रहे हैं, इसलिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। जब इसका कुछ इस तरीके से लड्डू बनने लगे तब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। लेकिन अगर इसका लड्डू ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा और ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिला सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। देखिए, डो बनकर तैयार है। ध्यान रहे डो थोड़ा टाइट होना चाहिए। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। दस मिनट हो चुकी हैं। हम डो को एक और बार गूंथ लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में मठरियों को तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे और उसे हल्की गैस पर गरम होने देंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम मठरियां बना लेते हैं। इसके लिए हम डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इस तरीके से इसकी एक लोई बना लेंगे। अब इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे। मठरियां छोटी बड़ी ना बने इसलिए हम डो को थोड़ा बड़ा बेलेंगे और सांची की सहायता से मठरियों को काट लेंगे। ध्यान रहे हम डो को ज्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। अगर आपके पास सांचा ना हो तो आप कटोरी से भी मठरियां काट सकते हैं। इस तरीके से हम बाकी बचा हुआ डो निकाल लेंगे।
फोक की हेल्प से हम इसमें छोटे छोटे होल कर लेंगे। सारी मटरियों में होल हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि तेल गरम हुआ या नहीं। इसके लिए हम छोटी सी लोई लेंगे और तेल में डालकर देखेंगे। देखिए लोई ऊपर आ गई है, इसका मतलब तेल अच्छे से गरम हो चुका है। ध्यान रहे तेल एकदम अच्छे से गरम होना चाहिए, तभी मटरियां अच्छे से बनेंगी। अब इसमें हम सारी मटरियों को डाल देंगे। हम इसको अच्छे से रेड ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए सारी मटरियों में सुनहरा कलर आ चुका है। अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी मटरियां भी बना लेंगे। बेसन की मटरियां बनकर तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे एज अ स्नैक एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे होली के ओकेजन में भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।